विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों और ममियों के देश इजिप्ट के लिए दिल्ली से हम गल्फ एयरलाइंस की उड़ान से रवाना हुए। इजिप्ट की राजधानी कैरो पहुंचने के लिए बहरीन से दूसरी उड़ान लेनी होती है, जो पूरे 4 घंटे बाद मिलती है। यहाँ का समय भारत के समय से पूरे 3 घंटे पीछे चलता है। बहरीन के हवाई अड्डे पर उतरे तो वहां अधिकतर भारतीय चेहरे ही देखने को मिले। 2 घंटे बहरीन में गुजार कर हम लोग दूसरी उड़ान से इजिप्ट की राजधानी कैरो के लिए रवाना हुए। यहाँ का मौसम खुशगवार था और तापमान था 13 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली की ठिठुरती सर्दी से घबराए लोग जितने ऊनी कपड़े लेकर आए थे, वे जरूरत से कुछ ज्यादा साबित हुए। एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर दूर गीजा शहर के होटल होराइजन में हमें ठहराया गया। यह इजिप्ट के बेहतरीन होटलों में एक है। इजिप्ट वासियों ने मकान पर प्लास्टर न कराने का समझदारी पूर्ण संकल्प ले लिया है। यहाँ मकान के बाहर सिर्फ ईंटें होती हैं, प्लास्टर नहीं होता, पुताई नहीं होती। दिल्ली की तरह मेट्रो यहाँ भी चलती है। लाइट और सड़कों के मामले में इजिप्ट दिल्ली से आगे है। पिरामिड और ममियों वाले इस देश की राजधानी कैरो में एक ग्रेव सिटी भी है, यानी कि कब्रों का शहर, जहां सिर्फ मुर्दे आराम फरमाते हैं। इनकी कब्रें मकानों की शक्ल में हैं, जिनमें खिड़की और दरवाजे तक हैं। छतों पर पानी की टंकियां भी रखी हुई हैं। इन कब्रीले मकानों पर प्लास्टर ही नहीं, पुताई भी की हुई है। मुर्दों के रखरखाव का ऐसा जलवा किसी दूसरे देश को नसीब नहीं। कब्रों की ऐसी शान शौकत देखकर एक बारगी हर शरीफ आदमी का मन मरने को ललचा जाए तो क्या आश्चर्य। यहाँ का म्यूजियम भी ममी प्रधान संग्रहालय है। हजारों साल से सुरक्षित रखी ममियां दर्शकों को हतप्रभ करती हैं। गीजा में कुछ पिरामिड हैं, मगर असली पिरामिड जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित हैं, वे गीजा से 19 किलोमीटर दूर सकारा में बने हैं। इन पिरामिडों की तलहटी में भी शाही ताबूतों में जन्नत नशीन बादशाहों के जिस्म आराम फरमा रहे हैं। इनमें इजिप्ट के सर्वाधिक चर्चित 19 वर्षीय सम्राट तूतनखामून भी शामिल हैं। तमाम खोजों के बाद पता चला कि इतना बहादुर सम्राट सिर्फ 19 साल की उम्र में मलेरिया के कारण जिंदगी से हार गया। एक दूसरा पिरामिड है जो सम्राट जोसर के बेटे ने बनवाया था। पिता की इज्जत के कारण उसने इस पिरामिड का आकार पिता के पिरामिड से जानबूझकर छोटा रखा था। इसके साथ ही एक और सबसे छोटा पिरामिड बना हुआ है। यहीं कुछ दूरी पर बना है टूम्ब ऑफ लवर, यानी कि प्रेमी का मकबरा। यह 62.5 मीटर ऊंचा और 28 मीटर गहरा है। फैरो यहां के सम्राट की पदवी हुआ करती थी। इन्हीं में एक फैरो था एकी नातो। विश्व सुंदरी नेफ्रीतीति इसी फैरो की पत्नी थी। नेफ्रीतीति का इजिप्शियन भाषा में मतलब होता है सुंदर स्त्री आ रही है। सुराहीदार लंबी गर्दन वाली नेफ्रीतीति इजिप्ट की पहचान और शान है। गीजा से अलेक्जेंड्रिया जाते हुए बीच में एक इंडियन लेडी पैलेस भी बना है। कौन थी वह भारतीय महिला, इसका पता किसी को नहीं है, पर महल पूरी आन बान शान के साथ आज भी मौजूद है। इस शहर में जब चाहे बारिश हो जाती है, इसलिए यहां की सड़कें अक्सर पानी में डूबी रहती हैं। गीली तो हमेशा ही रहती हैं। यह शहर मछली की आकृति का है, इसलिए इसे राबूदा भी कहा जाता रहा है। राबूदा का अर्थ है मछली नुमा स्थान। इस शहर में ही बना है कैटेकॉम्ब मकबरा। दिलचस्प बात यह है कि इस मकबरे की खोज सन 1900 में एक बंदर ने की थी। होता क्या था कि वहां जो भी बंदर जाकर उछलता, उसकी टांग जमीन में फंस जाती। लोगों को ताज्जुब हुआ, वहां खुदाई की गई तो इतना विशाल मकबरा जमीन के दामन में छिपा मिला। इस मकबरे में भी सैकड़ों जारों का जखीरा मिला था। कहा जाता है कि ग्रीक लोग जार में ही खाना खाते थे, और एक बार जिस जार में वे खाना खा लेते थे तो उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाते थे, इसलिए इतने जार यहां जमा हो गए। आगे चलकर एक और स्मारक है मोम्बनी स्तंभ। अब वक्त बदलता है, जिसका संकेत देती है मोहम्मद फरीद की प्रतिमा। इस बहादुर आदमी ने तुर्क और रोमनों से इजिप्ट को आजाद कराया था।
थोड़ा और आगे चलकर है सम्राट इब्राहिम की मूर्ति, जो इजिप्ट वासियों के शौर्य का प्रतीक है। दिल्ली के इंडिया गेट की ही तरह यहाँ भी इसराइल इजिप्ट युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। नालंदा और तक्षशिला की टक्कर पर यहाँ भी है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, जहां रखी हैं लाखों दुर्लभ पुस्तकें। आगे है रेड सी। इस लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का बीड़ा उठाया था फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने। स्वेज नहर के रूप में वह निशान आज भी हमारे सामने है। तन्नूरा और वेली नृत्य पर थिरकता इजिप्ट सूती कपड़ों और मलमल के लिए मशहूर है। खलीली स्ट्रीट और मुबेको मॉल यहां खरीदारी के लिए मशहूर ठिकाने हैं। भारत की हिंदी फिल्में यहां खूब देखी जाती हैं। बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। यह विचित्र किंतु सत्य और सुखद हकीकत है।